देखो हम लोगों की बुद्धि भी ऐसी हो गई है, हम लोग भगवान के भी आगे आगे चलते हैं। एक बार एक सज्जन मिले तो बार बार कहते थे हमने ऐसी रामायण लिखी कि बहुत अच्छी लिखी। तो हमने कहा कि भाई भगवान की बड़ी कृपा है, पर उन्हें संतोष नहीं हुआ। कहने लगे कि इतनी बढ़िया रामायण लिखी है कि हम कहीं कहीं तो तुलसीदास जी से भी आगे निकल गए। तब हमारा माथा ठनका कि बीमारी दूसरी है। तो हमने भी ऐसे ही कहा कि होता है लोग आगे निकल जाते हैं। एक आदमी का दौड़ने में बड़ा नाम था। एक दिन एक रात को वह अकेला ही दौड़ता जा रहा है, दूसरे गांव में पहुंच गया। रात को 12 बज रहे तो भी वो चला जा रहा है। लोगों जाग गए, अरे कहां जा रहा भाई, ये तुम्हारे दौड़ने का समय नहीं है, रात का समय है और तुम इस समय दौड़ रहे हो। उसने कहा क्या बताऊं, घर में सो रहा था, चोर ने खटपट की आवाज की, मैंने ललकारा, चोर भागा मैं पीछे। तो कहा दौड़ने में इतना नाम और चोर को अभी तक नहीं पकड़ पाया। तो कहा कि तुम पकड़ने की बात करते, एक मील पीछे छोड़कर आया। तो हमने कहा कई बार लोग आगे भी बढ़ जाते हैं, ऐसे ही आगे बढ़ जाते हैं, जिसे पकड़ना होता वो पीछे ही छूट जाता है। अच्छा, और भगवान की भी एक आदत है, जो उन्हें पीछे छोड़कर आगे बढ़ता है उसके वो पीछे पड़ जाते हैं। और तब तक पीछे पड़े रहते हैं जब तक कि सत्य का दर्शन न करा दे, तब तक भगवान पीछे ही पड़े रहते हैं। अच्छा, मुझे कई बार लगता है कि यह क्या जरूरी है कि पिता की सहित नाम ले। अब कई बार बड़ी कठिनाई होती है, हम लोगों को भी कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जो पूछते हैं, और महाराज पहचाना? अब कह दो नहीं पहचाना तो दुख कि हम इतने खास आदमी, हमको नहीं पहचाना, आओ समझ में भी ना आवे तो भी हम लोग झूठ ही कहते हैं। अरे खूब पहचानते, क्यों नहीं पहचानते? अच्छा, अब मन में सोचें कि इसको कहां देखा है। अच्छा, फिर वो कहेगा कि पहचानते हो तो बताओ जरा हम कौन है, तब ऐसे ही कहना पड़ता है, अरे तुम्हारा नाम बस यहां रखा है, निकल नहीं रहा, क्या नाम है वो, तब फिर वही बता देगा नाम, अरे खूब जानते हैं अच्छी तरह। और इतनी अटकलें लगानी पड़ती हैं कि है कौन। अरे सीधी सी बात है, जो मिले वही परिचय दे दे,